एकदम क्लियर। किसी का पिछले सवाल में डाउट रह गया हो तो क्लियर हो जाएगा इसमें, ठीक है। बड़े ध्यान से बस आपने देखना है। सबसे पहले हम नॉर्मली तरीके से ये वाला बना लेते हैं, मटेरियल टू मटेरियल, टू मटेरियल 4,56,000। अब लेबर टू लेबर, सर लेबर कहता है 3,05,000। अगर इसमें आउटस्टैंडिंग है तो ऐड कर दीजिए, तो कहता है 24,000। अगर इन केस प्रीपेड होगा तो माइनस कर देंगे। अब कहता है प्लांट परचेज टू प्लांट, सर प्लांट कितने का है? 2,25,000। प्लांट के बाद आगे देखते हैं एक्सपेंस पेड, वो भी इधर ही आ जाएगा। एक्सपेंस पेड कितने का पेड है? 1,00,000 रुपए। और इसी में हमें एक बात और कह रहा है, प्रीपेड है तो माइनस प्रीपेड, प्रीपेड 22,500 रुपये। चलिए 22,500 तो माइनस करके बाद में दिखाएंगे। बाई साइड में क्या आएगा? WIP। WIP के बाद वैसे कहते हैं प्लांट रिटर्न, हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब कॉस्ट प्राइस, 75 का रिटर्न कर दिया तो बाय रिटर्न, रिटर्न 75। अब सर 75 में से माइनस डेप वगैरह होगा नहीं होगा हम देखेंगे। आगे कहता है मटेरियल एट साइट, यानी सर क्लोजिंग में मटेरियल भी है। सर मटेरियल कितने का है? 30,000। वर्क इन प्रोग्रेस सर्टिफाइज 12,00,000। 12,00,000, 12,00,000 ही है ना, 12,75,000, यानी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बहुत बड़ा है ये। आगे कहता है वर्क प्रोग्रेस अनसर्टिफाइड, सिर्फ ये 40,000। आगे कहता है कैश रिसीव 10,00,000, इसका कोई लेना देना है नहीं, वो लास्ट में यूज करेंगे हम। चलिए सर अब कुछ और रह गया। कहता है डेप्रिसिएशन, प्लांट सब्जेक्ट टू एनुअल डेप्रिसिएशन 20% WDV। पिछली बार कैसे था? SLM, अब क्या है? WDV। द कॉस्ट इज लाइकली टू बी कंप्लीटेड ऑन दिसंबर, और जो हमारा कंप्लीट हुआ दिसंबर 31, 2010 में हुआ। तो सर इसका मतलब, सर दिसंबर 31, 2010 का मतलब क्या माने? इसका मतलब एक साल ये, और 1/4 से लेके अगर 31 दिसंबर तो 9 महीने ये, अगेन ये 21 महीने का एस्टीमेटिंग चला गया। प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट 9-10 के लिए, एस्टीमेटेड प्रॉफिट कॉन्ट्रैक्ट ईयर 9-10 फॉर द आपका प्रूडेंट बेसिस विच हैज टू बी क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस। प्रूडेंट बेसिस का मतलब है आप मान के चलिए कि आपका प्रॉफिट इतने कम होगा, जो हमने लास्ट में लगाते हैं ना। प्रूडेंट का मतलब क्या होता है? जो सबसे लास्ट में हम एक कंजर्वेटिव अप्रोच करते हैं कि कैश मिला उसी के हिसाब से प्रॉफिट रखेंगे, तो उसे बोलेंगे प्रूडेंट, ठीक है। और तो यहाँ पे कुछ है नहीं इस वाले में, तो कोई दिक्कत ही नहीं, और कोई दिक्कत समझने की जरूरत नहीं, मेन एस्टिमेटेड वाले में समझेंगे हम। तो ये कितना हो जाएगा? 3,29,000। ये कितना हो जाएगा? 77,500। चेक करते जाइएगा। अब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? एक रिटर्न भी था सर, रिटर्न कितने का था? रिटर्न था हमारा कितने का? 75,000 का। और बाद में हमारा बचा भी तो होगा प्लांट। तो सर अगर आपके पास 2,25 का था और 75 का आपने क्या कर दिया रिटर्न, तो कितने का बचा होगा? 1,50,000 का, 1,50,000 का बच गया होगा। अब ध्यान दीजिएगा, इस पे पूरे साल का डेप माइनस कर देंगे तो पूरे साल का 20% निकालेंगे तो सर 15,000 होगा ना, तो ये बचेगा हमारा कितना? 60,000। और इसके ऊपर अगर 15,000 निकाले, 15% लगा के माइनस करें हम इस पे, तो बचेगा हमारा 30, यानी 1,20,000। बड़ी सिंपल सी बात है। अब देख लेते हैं 12,75,000 और 40, तो कितने हो गए? 13,00,000।
15,000, 13 लाख, 15,000, 12,75,000 प्लस 40, 13, 15, 60, 30, 1, 20, ये 15,25,000, 15,25,000। चलिए माइनस करते हैं, 4,56,000, 32,9,000, 225, और माइनस 77,500। सर सरप्लस आ गया 4 लाख, 4,37,500, बाय सरप्लस 4,37,500। इसके ऊपर सीपीएल तो पता ही है कैसे भेजना है, और डब्ल्यू आई पी भी एस्टिमेटेड से निकाल के भेजेंगे प्रूडेंट बेसिस पे। बताइए कोई दिक्कत यहां तक? हाँ, यहां तक किसी को? सर प्लांट में 20% आएगा, हाँ बिल्कुल, सवाल में कह रखा है नीचे प्लांट पे 20% है। हाँ 15 क्या क्या हुआ? अच्छा ये 15 लिख दिया मैंने, इसलिए पूछ रहे हैं बच्चे। 20 आएगा जी, 20 आएगा, -20%। तो 15 मैंने माइनस सी ठीक करा वो, लेकिन बस रेट अलग आ गया। बताइए यहां तक कोई दिक्कत? अब चलिए एस्टिमेटिंग अगले पेजेस पे आ जाते हैं। चलिए सर ये है हमारा एस्टिमेटेड, चलिए एस्टिमेटेड में प्लांट मटेरियल कितना आएगा? 4,56,000, 4,56,000। इसको थोड़ा डार्क ले लेते हैं, चार 56 और 8 14, तो टू मटेरियल, चार 56 प्लस 8,14,000, दैट इज आपने बताया 12,70,000, 12,70,000। आगे आ जाते हैं लेबर, इन दोनों को प्लस करेंगे 3,05,000। कैसे कैसे? 3,05,000 प्लस प्लस क्या करेंगे बताओ? 3,80,000। और इसमें अगर आउटस्टैंडिंग है हमारा, जो कि करंट ईयर का हमें आउटस्टैंडिंग दिख रहा है, तो ये भी प्लस होगा। प्रीवियस वाले का प्रीपेड आउटस्टैंडिंग किसी काम का नहीं, तो करंट ईयर वाले का आउटस्टैंडिंग ले लेंगे। कितना था ये? था हमारा 37,500, 37,500। लेबर कितना आया इसका टोटल बताइए? 6,85,000। और इनका टोटल क्या आएगा? 7,22,500। ठीक है, एक बार किताब दिखा दो मेरे को, बार बार पीछे जाना पड़ रहा है। 24 कौन सा? नहीं सही से टोटल करिए आप, दिखाइए। क्या टोटल गलत है? एक बार दिखा दो किताब, दिखा दो। वो उन्होंने कुछ कर रखा होगा अपना हिसाब किताब, उस 24 को ले सकते हैं नहीं ले सकते। आप ये देखिए हमें ऐसे चलना है। बहुत सारे ना, कई बच्चे देखेंगे बुक का आंसर, मैं भी जैसे देख रहा हूं, तो बहुत बच्चे परेशान हो जाएंगे। तो वहां पे आप परेशान क्या होंगे? सर इसको ना उसने क्या करा, 380 के जगह पे देखो 356 ले रखा है, तो वो कैलकुलेशन किया। तो हम उस कैलकुलेशन के डीपली में नहीं जा रहे हैं, हम क्या जा रहे हैं कि सर सिर्फ करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग और करंट ईयर का प्रीपेड को एडजस्ट करो और काम खत्म हो जाता है हमारा।
ठीक है, चलिए सर इसके बाद क्या दे रखा था हमें, हम आ जाते हैं अगेन क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में देखा जाए तो क्या दे रखा है हमें, प्लांट दे रखा है। प्लांट कितने का सर था, 2.25 का, तो 2 प्लांट 2.25 हम पूरा ले रहे हैं, तो सर कायदे से इधर रिटर्न भी आ जाएगा। बाय रिटर्न कितना रिटर्न कर दिया था, 60,000। ठीक है, आगे देखा जाए तो एक्सपेंस, टू एक्सपेंस, पर एक्सपेंस में क्या दे रखा है, दो एक्सपेंस है यहाँ पे, मैं दिखा भी देता हूँ। देखिए आप, दो एक्सपेंस है, 1 लाख और 1,75,000, 2,75,000 और आउटस्टैंडिंग 25,000 है, तो क्या आएगा हमारा, 1,00,000 प्लस 1,75,000, यानी सर 2 लाख। और इसमें अगर मैं आउटस्टैंडिंग देखूं तो एट द एंड में आउटस्टैंडिंग 25,000 है, तो माइनस ओ सॉरी प्लस आउटस्टैंडिंग 25,000, दैट इज ये कितने का आ जाएगा, 3 लाख रुपए का आ जाएगा। ये कितना आ गया सर, 3 लाख आ गया। अब आगे की बात करें तो आगे कहता है प्लांट आपने रिटर्न कर दिया सर, बाय रिटर्न प्लांट किया, सर कितना रिटर्न किया, 1.5 लाख। तो अब देखो ये बिल्कुल सही बोल रहा है सर, 1.5 लाख का मतलब, क्योंकि पहले ही 2.25 में से हम 75 माइनस कर चुके थे, तो बचा कितना था, 1.5 लाख। तो अब ये 1.5 लाख माइनस किया, तो अब इस 1.5 लाख पे डेप्रिसिएशन पूरे चार्ज करोगे 21 महीने का, यानी सर पहले डेप्रिसिएशन 1 साल का, दैट इज 30,000, अब बचा 1.20, क्योंकि ये WDB है, तो अब जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो 1.20 के ऊपर 20% लगने वाला है, इंटू 9/12 कितने आ रहे हैं, 18। तो ये जो प्लांट बचेगा वो बचेगा 1,02,000 का, जो प्लांट बचेगा वो प्लांट बचेगा हमारा माइनस में 18,000, तो 1,02,000 ये भी रिटर्न कर दिया हमने। ठीक है, आगे देखें तो रिटर्न करने के बाद कहता है मटेरियल एट साइट 75,000, कोई बात नहीं, हमारा क्लोजिंग मटेरियल बच गया। क्या नहीं, हाँ जी, सर क्वेश्चन क्वेश्चन दिखा दें, 1 मिनट दिखा देंगे, कौन सा डेप, हाँ अच्छा, 30 18 यहाँ 48, ओके यहाँ पे बता रहे हो ना, ठीक है 48। क्वेश्चन दिखा देते हैं सर, मटेरियल, क्योंकि आगे पीछे हो गया, मैं अपने बुक में देख रहा हूँ, मटेरियल सर, मटेरियल जो है क्लोजिंग वो है 75 75, वर्क सर्टिफाइड वगैरह कुछ नहीं है, तो सीधा क्या लिख दें बाई साइड में, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मैं देख पा रहा हूँ है 27,12,500, 27,12,500, और कुछ रहा नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ, बच्चे बोल रहे हैं सर क्वेश्चन दिखा दीजिए, तो और कुछ बचा है नहीं, तो कोई बात नहीं, चलिए रखिए मैं क्वेश्चन वहीं दिखा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन मैंने क्या लिया था बता देता हूँ, एक ये प्लांट था और ये रिटर्न था, इसको रिटर्न कर दिया, उसके ऊपर डेप ले लिया, ये क्लोजिंग मटेरियल था ये भी ले लिया, बाकी सब हमारा फुल है। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे जो प्रॉफिट निकलेगा वो कौन सा प्रॉफिट निकलेगा, एक एस्टिमेटेड प्रॉफिट, और उसी प्रॉफिट के बेसिस पे हम वहां जाएंगे, कहाँ, अपने मेन अकाउंट के अंदर। तो सर 27,25,000, 27,12,500 प्लस 60,000 प्लस 1,02,000 प्लस 75,000, दैट इज आ गया 29,49,500, 29,49,500 माइनस में 12,70, माइनस में 7,22,500, माइनस 2,25,000, माइनस 3 लाख, 4,32,000, ये आ गया टू एस्टीमेटेड एस्टिमेटेड प्रॉफिट 4,32,000। और अब इस 4,32,000 के ऊपर रूल लगा दो,
4,32, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है सर? 27,12,500। कैश रिसीव कितना था? सवाल में देखना पड़ेगा। तो सर कैश रिसीव था हमारा कितना? 10 लाख। तो इनटू में 10 लाख रुपए, कैश रिसीव क्या था हमारा? 10 लाख। ये फॉर्मूला हमने पहले ही लिख चुके हैं, डिवाइडेड बाय 27,12,500 इनटू में 10 लाख। तो ये आ गया हमारा 159,262। तो सर यहाँ पे जो सीपीएल में जाएगा ना, वो जाएगा 159,262। मैं यहाँ भी लिख देता हूँ 159,262। अब नाउ फाइनल आंसर निकालेंगे यहाँ, जो कि WIP में जाएगा। अब फाइनल आंसर निकालेंगे जो WIP में जाएगा, 43,7,500, 43,7,500 ये लीजिए, माइनस में 159,622, ये आ गया सर 27,78,78, यही आया ना? यह गलत आ गया, माइनस सही नहीं किया, माइनस 159,622। सीपीएल चेक करिए, अच्छा 78 आएगा, ये 27,78,78 ही तो आ रहा है, माइनस सही करिए, 200। दिखाओ दिखाओ दिखाओ, शायद इसमें भी कोई एरर तो नहीं है। 37,500, 61,263, नहीं ये क्या करा इन्होंने, दो सौ तिरसठ, एक मिनट, इसका कैलकुलेशन क्या है? अरे यहाँ 262 है और मैंने यहाँ पे उठा कर लिख दिया है 900, 622, वो उल्टा पुल्टा हो गया। ठीक है, ये है हमारा क्या आया था, 262, 61, 262, 62, अब ठीक आ जाएगा, 43,7,500, 262, अब 238 आ गया, 27,82,38। चलिए अब देखिए आप, हाँ बिल्कुल शुभम, मैंने ठीक कर दिया सर। सीपीएल का अमाउंट क्लियर कर दो एक बार, और हार्दिक का कहना है वेल विल बी स्टार्ट न्यू चैप्टर टुमारो, नेक्स्ट क्लास में हम न्यू चैप्टर कर लेंगे स्टार्ट। सर क्लोजिंग मटेरियल अब नहीं होगा, नहीं क्लोजिंग मटेरियल जो होगा ना हमारा वो एडिट करके देगा, जैसे हम प्लांट के अंदर क्लोजिंग में एडिट नहीं कर रहे रिटर्न के टाइम पे, तो इसी तरीके से अब एडिट नहीं होने वाला वो। अब इसमें क्या क्या सावधानी रखनी है, क्या क्या पॉइंट्स याद रखना है, मैं एक बार वो क्लियर कर दूं। सबसे पहले मटेरियल दोनों होगा, एक्चुअल भी और प्लस एस्टीमेटेड भी जाएगा। लेबर दोनों होगा, एक्चुअल भी और प्लस एस्टीमेटेड भी जाएगा। इसमें प्लस हो जाएगा आउटस्टैंडिंग, माइनस हो जाएगा प्रीपेड, लेकिन कौन से वाला प्लस होगा? एस्टीमेटेड वाला सारा। और ये भी कौन से वाला माइनस होगा? एस्टीमेटेड। एक तो ये हो गया, सारे खर्चे हो गए। प्लांट में जो रिटर्न होगा वो एक्चुअल में भी जाएगा और बाद में वो एस्टीमेटेड में भी जाएगा। अब जो फाइनल प्लांट रिटर्न होगा वो हमारा एस्टीमेटेड में जाएगा, लेकिन माइनस टोटल डेप करके जाएगा। क्या चीजें ऐड नहीं करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक को हम ऐड नहीं करने वाले, ऐड इसको हम नहीं करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक का एस्टिमेटेड और उसका दोनों मिला के हम नहीं करेंगे। बस इन बातों का ध्यान रखना है, प्रॉफिट जो सीपीएल में कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा वो जाएगा एस्टिमेटेड, एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू में कैश रिसीव डिवाइडेड बाय सीपी यानी कॉन्ट्रैक्ट
प्राइस से जाएगा हमारा सीपीएम, बाकी बैलेंसिंग फिगर आपका WIP का आएगा जैसे हर बार आता है, करेक्ट। तो इन बातों का बस आपको एस्टिमेटेड कॉस्टिंग में ध्यान रखना है, बाकी सारा आपका सेम रहेगा। सर एक बार WIP अकाउंट क्वेश्चन, WIP की लास्ट एंट्री बता दो। आप सपना इसी सवाल की बात कर रहे हैं WIP में या कोई और सवाल है? बताइए। सर दूसरा आप क्वेश्चन नंबर बता दीजिए, मैं वही क्वेश्चन अभी दिखा के बता दूंगा। इसमें बता दीजिए और जिन बच्चों का डाउट है।